नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल पिल, जहां पर जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपसे वादा किया था कि सारे के सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। ये प्रेजेंटेशन के मोड में इसलिए है क्योंकि ये मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करता है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड जितना हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करिए। ओके, मैं इस बार कुछ ना सही तो 30-15 ऐसे ही करके कुछ लगभग क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा, जो लोग अभी बीटेक में हैं उन लोगों को एक बार आइडिया हो जाएगा इस चीज के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड विद बैलेंसिंग। तो मेनली जो आज का डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट करिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, नागालैंड सीटीएसई में पूछा गया था 2017 में, अ डिस्टर्बिंग मास M1 इज अटैच्ड एट अ रोटेटिंग शाफ्ट मे बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास M2 अटैच्ड इन द सेम प्लेन ऑफ रोटेशन एज दैट ऑफ M1। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसमें कुछ नहीं है। डिस्टर्बिंग मास मतलब एक मास है, यहाँ पर M1 है। लेट अस सपोज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेट अस सपोज दिस कैप इज M1। अब मुझे एक दूसरा मास अटैच करना है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होगी। जैसा कि अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच इट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड विद दैट ही हैं जो कि मैं हम लोग ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा M1R1 इज इक्वल टू M2R2, दैट इज बी। मैं आप लोग को बोल इसलिए रहा हूँ, टिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग इसको पूरी कंसेंट्रेशन के साथ सुने, ना कि आप लोग इसको रैंडमली करें कि हाँ स्किप करते गए या फिर इसको 2x की स्पीड में देख लिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का कंसेंट्रेशन पूरी तरीके से रहे। इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा बी। बी क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग ने डिस्कस किया था कि क्या ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। अगर ओमेगा हमारे पास पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा ये कि ओमेगा ओमेगा दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, M1 R ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा दोनों साइड से कैंसिल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। सिमिलरली झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर प्री के जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो था, इन ऑर्डर टू बैलेंस रेसिप्रोकेटिंग मासेस ओनली प्राइमरी फोर्सेस एंड कपल्स मस्ट बी बैलेंस, ओनली सेकेंडरी फोर्सेस एंड कपल मस्ट बी बैलेंस, सी इज बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन ऑफ द अबव। बट देखिए किसकी बात हो रही है, रेसिप्रोकेटिंग मास की बात हो रही है। अगर रेसिप्रोकेटिंग मास के बारे में बात हो रही है तो मतलब क्या, हम लोग को इनर्शिया फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, और इनर्शिया फोर्स में दोनों आते हैं, प्राइमरी फोर्सेस भी आते हैं और सेकेंडरी फोर्सेस भी आते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर जो कि आप लोगों का रिलेटेड विद रेसिप्रोकेटिंग मासेस था वहां पर डिस्कस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट इज तमिलनाडु पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2018, पार्शियल बैलेंसिंग इन लोकोमोटिव रिजल्ट्स इन पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से क्या होता है। पार्शियल मैंने क्या बताया था कि कभी भी हम लोग पूरी तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मास को हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मास को पूरी तरीके से बैलेंस नहीं करते तो हम लोग उसका थोड़ा पोर्शन करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, CMR लेते हैं। उस पार्शियल बैलेंसिंग की वजह से लोकोमोटिव में क्या रिजल्ट आ सकता है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन फोर्सेस आते हैं जो कि हार्मफुल रहते हैं, जो कि सही नहीं रहते, जिसकी वजह से अनबैलेंसिंग की वजह से कॉज होता है। तो वो आंसर इसका आपके सामने ही है, ए इज द आंसर। क्यों ए, हैमर ब्लो वर्टिकल की वजह से, वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि ट्रैक्टिव फोर्सेस क्या था, ट्रैक्टिव फोर्सेस था आप लोगों को याद है, सांप वाला कौन सा था, सांप वाला स्विंग कपल था, लेकिन ट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सा था, जो नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये जो आंसर रहेगा तमिलनाडु पीएससी का वो रहेगा आप लोगों का ऑप्शन ए। ठीक है, सिमिलर वे में सेम तमिलनाडु पीएससी का 2019 का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन इज नेसेसरी व्हेन इट रन्स एट स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। इसके बारे में मैंने आप लोग से बात किया था, अपने पिछले वीडियोस में भी बात किया था कि ये कब जरूरी होगा, जब ये बहुत ही ज्यादा स्पीड में चल रहा होगा। स्पीड में चल रहा होगा तो मतलब क्या हो जाएगा, जो नीचे जो हम लोग हमारे पास, जैसा कि लेट अस सपोज दिस ब्लू वन इज द कनेक्टिंग रॉड, ब्लैक वन इज द रेसिप्रोकेटिंग सॉरी क्रैंक। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग का एक स्लाइडर लगा होगा, ब्लू पर हम लोग का एक स्लाइडर लगा होगा। तो होगा क्या उससे कि जो नीचे अगर हम लोग बैलेंस करने को लगाते हैं, क्रैंक के पीछे अगर हम लोग मास लगाते हैं बी, तो वो जब हम लोग का ऊपर भी आ सकता है तो मतलब क्या हो जाएगा, बी बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा।
तो मतलब हम लोगों को उस चीज का कंसिडरेशन रखना है कि भाई यहां पर जाकर के हमारा जो फोर्सेस है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो मतलब मैंने आप लोग को एक एग्जांपल भी दिया था कि खाली गाड़ी को कभी भी हम लोग फुल स्पीड में नहीं चलाते हैं। क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि उससे प्रॉब्लम आ सकती है, उससे अनबैलेंसिंग ज्यादा आएगी। अनबैलेंसिंग की वजह से जो फोर्सेस, जैसा कि मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में था, हैमर ब्लो, ट्रैक्टिव फोर्सेस, स्विंग कपल, ये सारे के सारे अनबैलेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं किसी भी लोकोमोटिव में। तो बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मासेस, द करेक्ट आंसर वुड बी सी, दैट इज हाई स्पीड। हाई स्पीड इसका मेन आंसर रहेगा। अगर आप लोगों को इन सब क्वेश्चन और इनके एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो मेक श्योर टू कमेंट इट कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन द व्हाइट बोर्ड, सो डोंट, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग सिविल सर्विसेज में भी चूज कर सकते हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिविल सर्विसेज में पूछा गया था कि रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज मिनिमम। रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात हो रही है। रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स मतलब कौन कौन सा फोर्स हुआ? एक हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल था, मैं वापस से कहूंगा आप लोग मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, एक क्या हॉरिजॉन्टल था, एक वर्टिकल था। ये कौन सा था? बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ब्लैक वाला क्या था? बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। और जो ब्लू वाला है वो क्या था? बीबी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब बीबी ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सिमिलर वे में इसको अलग लिख सकते, इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा। इसी रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात हुआ, द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज मिनिमम इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन व्हेन द पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास बैलेंस बाय रोटेटिंग मास इज 2/3, 2/3। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार बस मुझे मैसेज कर दिए कि सर ये 2/3 कैसे आया, तो मैं आप लोगों को उसका डेरिवेशन भी कर दूंगा। लेकिन जो अंडर जो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, अगर आप यहां से देख समझ सकते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी? रिजल्टेंट फोर्स आएगी 1 माइनस सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट में करके। ठीक है, तो वो आ जाएगा आंसर सी। ओके, नेक्स्ट इज ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट इंजीनियर का था। तो उसमें क्या पूछा? बैलेंसिंग वेट आर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेन्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या मेन बात हो रही है? डायनेमिक बैलेंसिंग की। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो डायनेमिक बैलेंसिंग की, मैंने क्या बताया था? डायनेमिक बैलेंसिंग मतलब क्या? दो, डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर दो, मतलब दो मासेस चाहिए होंगे डायनेमिक बैलेंस करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मैं अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर टू वॉच इट, क्योंकि ये बैलेंसिंग एट द एंड है। ठीक है, मैं इसके बाद एक और शायद न्यूमेरिकल की सीरीज लेकर के आऊँ, लेकिन इसके बाद आप समझिए कि खत्म है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में पूछा गया था, द रेसिप्रोकेटिंग मास इज बैलेंस्ड व्हेन प्राइमरी फोर्सेस इज बैलेंस्ड बाय द मास, अनबैलेंस्ड बाय द मास, बैलेंस्ड बाय द मास एंड अनबैलेंस्ड बाय द मास। तो देखिए मेनली क्या था, सी एम आर हम लोग का कब यूज होता है? सी एम आर हम लोग का तब यूज होता है जब जो चीज हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, और 1 माइनस सी क्या हो जाएगा? 1 माइनस सी हो जाएगा वो जो हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड मास इज सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा एंड अनबैलेंस्ड मास इज 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज 1 एंड 4, 1 एंड 4। मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंप्लीटली बैलेंस सेवरल मासेस रिवॉल्विंग डिफरेंट प्लेन। अब किसकी बात हो रही है? डिफरेंट प्लेन की बात हो रही है। वापस से, डिफरेंट प्लेन, डायनेमिक बैलेंसिंग मतलब कितने मासेस? दो मासेस, दो मासेस इन एनी टू प्लेन, मतलब इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, टू मासेस इन एनी टू प्लेन। डी, कुछ लोग डी भी टिक कर देते हैं, क्यों डी से नहीं? क्योंकि टू इक्वल मासेस लिखा है इन एनी प्लेन, बल्कि कोई भी वो मासेस रह सकते हैं, टू मासेस इन एनी टू प्लेन। ठीक है, इक्वल मासेस नहीं। नेक्स्ट इज इफ द रेशियो, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, रेशियो है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक रेडियस इंक्रीजेस देन। ये यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो कि अभी एग्जाम होने भी वाला है, कुछ लोग फोर्थ ईयर में, कुछ लोग इसका फॉर्म भी भरे होंगे। सो असिस्टेंट इंजीनियर का 29 मई को एग्जामिनेशन है इस साल, जो कि काफी बार पोस्टपोन होकर के आया था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइमरी की एन जो होता है ऑब्लिकिटी रेशियो वही होता है एल बाई आर, एन इज इक्वल टू एल बाई आर। अगर एन को मैं इंक्रीज कर दूं तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से होगा कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स विल गेट डिक्रीज, क्योंकि फॉर्मूला जो होगा इनर्शिया फोर्स का वो होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय एन। ओके,
सिमिलर वे में असिस्टेंट इंजीनियर सेमी सेमी ईयर में पूछा गया था कि इफ देयर आर सेवरल अनबैलेंस मासेस इन अ रोटर इन अ डिफरेंट प्लेन, वापस से क्या डिफरेंट प्लेन लिखा हुआ है, साफ साफ आप लोगों को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंट प्लेन है, मिनिमम नंबर कितना, दो, टू मासेस आर रिक्वायर्ड, टू मासेस आर रिक्वायर्ड टू गेट टू मेक श्योर दैट द बैलेंसिंग इज बीन डन इन डिफरेंट प्लेन्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, मास m1 इज अटैच, सेम क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू वाले जो भी ऑप्शन रहेंगे वो आप कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बैलेंसिंग में क्या होता है, सेम सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ पूरा शाफ्ट घूम रहा होता है कि नहीं है। ये मेरे पास अगर शाफ्ट है, ये शाफ्ट पूरा का पूरा किससे रोटेट करेगा, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इसके साथ डिफरेंट मासेस अटैच होंगे, इसके साथ यहाँ पर डिफरेंट मासेस अटैच होंगे डिफरेंट प्लेन में। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी, दैट इज एम वन आर वन इज इक्वल टू एम टू आर टू। क्यों, वही वापस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है, तमिलनाडु पीएससी में, कर्नाटका पीएससी में, नागालैंड सीटीएसई में, यूके पीएससी में, हमेशा ये पूछा जाता है, इन लोकोमोटिव रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक इज केप्ट वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ठीक है, मैंने क्या बताया, एल एल बताया ना, एन एन इज इक्वल टू एल बाई आर, एन इज इक्वल टू एल बाई आर। तो एन को हम लोग ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग का सेकेंडरी फोर्सेस कम हो सके, ताकि हम लोग का सेकेंडरी फोर्सेस कम हो सके। तो सेकेंडरी फोर्सेस कम मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फोर्सेस कम मतलब हो जाएगा कि हमारा ऑब्लिगेटिव रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द आंसर। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग स्किप करो, मैं ये वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट रखता हूँ, ताकि आप लोगों का कम समय में ज्यादा चीजें कवर हो पाए। जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे, मेक श्योर टू वॉच इट। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का कोई भी लॉस हो, टाइम का लॉस या मनी का लॉस, जो कुछ भी रहेगा, जितना भी सोर्सेज अवेलेबल है, वो सबका सब मैं आप लोगों के इसी YouTube चैनल पर लेकर के आऊंगा, और दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग नेट यूज कर पा रहे हैं, इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, और आजकल के टाइम में अगर आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट यू हैव दैट मच ऑफ केपेबिलिटी टू लर्न एनीथिंग फॉर फ्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो था स्टैटिक बैलेंसिंग इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया, स्टैटिक बैलेंसिंग में हम लोग फोर्सेस को करेंगे, डायनेमिक बैलेंसिंग में फोर्सेस और कपल्स को करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक बैलेंसिंग में हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। UPRVUNL का कुछ टाइम पहले एग्जाम एग्जाम हुआ था, इसका क्या, हैमर ब्लो इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन वेरीज विद हैमर ब्लो, हैमर ब्लो की कौन सा वाला फोर्स था, ये वापस मैं ये ले रहा हूँ, ब्लैक और ब्लू, ब्लू इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसकी वजह से क्या होगा, स्वेइंग कपल और अट्रैक्टिव फोर्सेस, लेकिन इसकी वजह से जो होगा बीबी ओमेगा स्क्वायर, ये वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या होता है, ये होता है बीबी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, तो मतलब रोटेशन स्पीड का स्क्वायर, दैट इज करेक्ट आंसर इज डी। नागालैंड सीटीएसई में पूछा गया क्वेश्चन, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्सेस के लिए देखिए एन स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी ऐसे ही गए, अब बचता है हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, कॉस टू थीटा है कि कॉस थीटा, कई बार आप एग्जाम पे प्रेशर के चलते भूल आते हैं, बट याद रखिए सेकेंडरी में कॉस टू थीटा रहता है, प्राइमरी वाले पोर्शन में कॉस थीटा रहता है। तो सेकेंडरी पूछा गया, तो सेकेंडरी के लिए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। यूपीपी, अब ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया, हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो देखिए क्या है, इन अ लोकोमोटिव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये मेरे पास अगर स्लाइडर की डायरेक्शन है, ये मेरे पास स्लाइडर की डायरेक्शन है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक है तो कौन सा हो जाएगा, हैमर ब्लो, हैमर ब्लो हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस और ये सब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 क्वेश्चन, ये इसमें क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट दे रखा है, बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन सेम प्लेन कैन बी अफेक्टेड बाई सिंगल मास। ठीक है, ये तो सिंपल है, सेकेंड जो स्टेटमेंट दे रखा है वो है बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस इन डिफरेंट प्लेन कैन बी डन बाय टू मासेस इन टू प्लेन्स। मैंने बताया भाई जब हमारे पास सेवरल मासेस रहेंगे, डिफरेंट मासेस मतलब हमारे पास सिस्टम बहुत बड़ा है, और सिस्टम अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें डायनेमिक बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए हमें टू मासेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टेटमेंट वन भी सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, स्टेटमेंट थ्री अगर देखते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मासेस कैन नॉट बी कंप्लीटली बैलेंस बाय रोटेटिंग मासेस, एकदम एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि क्या रेसिप्रोकेटिंग मास को हम पूरी तरीके से, रेसिप्रोकेटिंग मास को हम लोग पूरी तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो है सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। हाँ, क्यों, क्योंकि जो एन होता है, जो ऑब्लिगेटिव रेशियो होता है एन, वो हम लोग जनरली लार्ज रखते हैं, अगर वो लार्ज रख रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स रहेगा वो हमारे पास कम रहेगा एज कम्पेरिजन टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो इतना ही था आज के वीडियो में, ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और यही मेन सार है बैलेंसिंग का, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है
मिली, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन सब में घुमा फिरा करके सेम क्वेश्चन रहेगा। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कब आएगा, स्विंग कपल कब आएगा, उसके बाद हैमर ब्लो कब आता है, ठीक है। और साथ में आप लोगों को याद रखना होगा कि किस प्लेन में कैसा मासेस को यूज करेंगे तो रिजल्ट कैसा आता है, मतलब डायनेमिक में दो का, और अगर स्टैटिक में बात करें तो उसके लिए सिंगल मासेस ही काफी रहेंगे। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मासेस के साथ हम लोगों को बैलेंसिंग करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मेक श्योर टू पर्टिकुलर सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, किसी और टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेक श्योर टू कमेंट, कमेंट करिए। आप अभी इसी वक्त इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए कि आपको किस पर चाहिए। यहाँ तक कि आप लोग अगर कहोगे कि सर आई नीड टू प्रिपेयर फॉर गेट फॉर फ्री, आई कैन स्टिल मेक अ वीडियो ऑन दैट, और ये कोई मैं यू नो कोई झाड़ फूकने वाली चीज नहीं बताऊंगा। आई विल गिव यू द जेन्युइन सॉल्यूशन कि आप कैसे अपनी गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कितना टाइम आपको देना चाहिए, एवरीथिंग रिलेटेड विद इट। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जितना हो सके उतना ज्यादा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा न्यूमेरिकल मेनली इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, जहां पर हम लोग इसके मेनली कन्वेंशनल क्वेश्चंस डील करेंगे। और जितना भी जो आप लोगों का जो समराइज वर्जन है, जो भी बैलेंसिंग का जो एमसीक्यू का रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बहुत कम लाया हूं, लाया ही नहीं हूं देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। यही मेन जो है जो घुमा फिरा करके आप लोगों से पूछा जा सकता है वो यही है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। जय हिंद, जय भारत।